हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं जा रही हूँ कॉलेज। 9:30 बज चुके हैं और 10 बजे की क्लास है। आधा घंटा लगेगा कॉलेज जाने में। अगेन 2 मिनट में बस है और फटाफट भाग के मैं जा रही हूँ। तो आज आपको मैं थोड़ा सा कॉलेज का टूर कराऊंगी और दिखाऊंगी कि हम क्लासेस में क्या करते हैं। तो दोस्तों, आई मिस्ड माई बस। मेरे सामने से निकल के गई और अब मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ेगा या दूसरे स्टैंड जाना पड़ेगा, थोड़ा दूर है, और वहाँ जाके बस पकड़नी पड़ेगी। एक मिनट भी बस नहीं रुकती यहाँ पे। इफ़ यू आर लेट, यू आर लेट। आप टाइम पे नहीं पहुँचे हो तो बस शू करके आपके सामने से निकलने वाली है। तो हमेशा यहाँ पे बस स्टैंड पे तो टाइम पे पहुँचो, क्योंकि अगर आपने एक बस मिस कर दी तो दूसरी बस 20 मिनट में या आधे घंटे बाद होती है और तब तक आप लेट हो जाओगे। तो दोस्तों, फाइनली मैं अपने कॉलेज पहुंच गई। क्लास के लिए थोड़ा सा लेट हो गई थी, बट कोई बात नहीं। अंदर डोर में घुसते ही, जब भी आप डोर 3 से एंट्री लेते हो कॉलेज के, तो आपको ये कॉरिडोर मिलेगा, लंबा सा कॉरिडोर। तो डोर 3 से हमें आगे जाना है डोर 2 की तरफ। और ये मैं क्लास में अब बैठ चुकी हूँ और क्लास में मुझे लग रही है भूख, क्योंकि ये ब्रेक टाइम था। तो मैं चावल पैक करके लेके गई थी और मैंने फटाफट से खाना खा लिया, क्योंकि इसके बाद हमारी होने वाली है स्किट प्ले। ये छोटी सी हमें केस स्टडी मिली थी और इसके ऊपर हमें रोल प्ले करना था मेरे पूरे ग्रुप को। व्लॉग थोड़ी पीछे चले ले ले। ओह माय गॉड, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? एक्साइटेड। ये देखो, ये पहले शर्मा गई, महाराष्ट्रीयन गुजराती गर्ल। आपको कैसा लग रहा है स्वाति? से हाय माय टर्किश फ्रेंड। नमस्ते, हाथ जोड़ के। ये आप हमारे जजेस हैं? ओह माय गॉड, जजेस को सीट मिल रही है। मैं लाइब्रेरी कुछ काम से गई थी, सो इसी बहाने सोचा आपको लाइब्रेरी का भी थोड़ा बहुत टूर करा दूँ। ये हमारी पूरी लाइब्रेरी है और यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स और टेबल्स, और ये वर्क रूम होते हैं। ये पर्सनल रूम आप बुक करवा सकते हो 1 वीक पहले, और वहाँ से रूम लाइक व्यू बहुत ही अच्छा आता है उन वर्क रूम से। सो ये सारे बच्चे बैठ के, आजकल एग्ज़ाम का टाइम है तो बहुत ही भीड़ होती है लाइब्रेरी में। पर ये लाइब्रेरी बहुत ही बड़ी और एकदम गोल मटोल है, मतलब जंतर मंतर नहीं होता जैसे कि आप खो जाओ आपको पता ही नहीं चलेगा, वैसी लाइब्रेरी है। तो बीच में बच्चे आराम से बैठ के अपना काम करते हैं, साइडों में लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, किसी के पास नहीं है तो वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ये बुक शेल्फ्स है, किसी को बुक्स चाहिए तो यहाँ से ले सकता है। इस कॉलेज में ये पीसी की खास बात ये है कि इसमें आप अपनी कॉनेस्टोगा की ईमेल आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, तो ये पूरा पीसी आपकी आईडी के अनुसार चलेगा, मतलब आपका डेटा इसमें स्टोर रहेगा, कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। तो गाइस, हमने वहाँ पे प्रिंट दिया था कंप्यूटर में, और ये 1 कार्ड है हमारा कॉनेस्टोगा का, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे हमने सेलेक्ट ऑल करना है और फिर हम प्रिंट करेंगे और फिर यहाँ से सारे पेजेस आ जाते हैं। और हम अपने कॉलेज में एक सेमेस्टर में सिर्फ 40 पेजेस ही प्रिंट करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हमें 40 पेजेस से ज़्यादा प्रिंट करवाने हैं तो 20 सेंट कुछ भरना पड़ता है, अपने 1 कार्ड में लोड करवाना पड़ता है और फिर हम प्रिंट करवा सकते हैं। फिर हम यहाँ से कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे तो आपका पूरा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। कोई और अपनी आईडी से खोलेगा तो उसकी आईडी से खुलेगा, आपका कुछ भी डेटा उसको शो नहीं होगा, आपका लैपटॉप पर्सनल हो जाता है एकदम। काम ख़त्म होते ही हम निकल गए लाइब्रेरी से बाहर। ये लाइब्रेरी के बाहर ही सामने CSI का ग्रुप बैठता है यहाँ पे, कि आपको कोई भी एडमिशन रिलेटेड थोड़ी बहुत क्वेरी है आपके प्रोसेस हेल्थ कार्ड से रिलेटेड, तो ये आपको बताते हैं। और यहाँ पे सामने बैठती है सिक्योरिटी गार्ड, आपको कहीं जाना है कुछ नहीं पता चल रहा, सिक्योरिटी गार्ड से पूछ सकते हो। और ये सामने सोफ़े वगैरह लगे होते हैं, बच्चे यहाँ पे बैठ के टाइम पास करते हैं और थोड़े बहुत असाइनमेंट्स भी कर लेते हैं। और ये हम फिर से जा रहे हैं डोर 3 की तरफ, और बीच में आपको ये ऐसे CSI के बोर्ड दिखेंगे जिसमें कि कल्चरल इवेंट्स या पार्टीज होती हैं हमारे कॉलेज में, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ये बोर्ड्स में दी होती है। और आप CSI की फ़ीस भरते हो ना, तो आपको पार्टीज़ यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री होती हैं, और काफ़ी अच्छी पार्टीज़ होती है कॉलेज में। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमें कॉलेज में दिखाओ कि क्या क्या कैफ़े हैं, तो ये टिम हॉर्टन्स है और इतनी भीड़ होती है यहाँ पे, दिन भर भीड़ होती है। और स्टारबक्स भी है इस कॉलेज में, और तो कोई भी आपको पसंद है तो वहाँ पर आप जा सकते हो। और कॉनेस्टोगा
कैम्ब्रिज कैंपस में सबवे है, वहाँ पे टिम हॉर्टन्स नहीं है शायद। और ये हम फिर डोर 3 से बाहर जा रहे हैं, और बाहर जाते ही ये सिनेरियो आपको मिलता है। ये देखो, ये ए और बी विंग का रास्ता है डोर 3 से। सारी बसेस जो है ना, ज़्यादातर ये डोर 3 के बाहर आके रुकती हैं, और यहाँ से सारे बच्चे आते हैं। यहाँ पे लगातार स्टैंड है बस के, देखो वहाँ तक स्टैंड है। हर बस का स्टॉप अलग है, जो भी आपका बस स्टॉप है वहाँ पे आप आके खड़े हो सकते हो, और सीधा अपने जो भी है वहाँ पे आप अपने गेट के अंदर जा सकते हो। हम भी बस का वेट कर रहे थे यहाँ पे, और ये चीज़ मुझे आज ही पता चली कि ये सेंसर रिलेटेड है यहाँ पे, कि अगर आप जैसे ही हाथ लगाते हो तो ये ग्रीन हो जाता है और डोर अपने आप खुल जाता है। वो सेंसर उस डोर के लिए है और ये सेंसर इस डोर के लिए। गाइस, मैं आपको ये जैकेट बोलती हूँ लेने को, ये डीकैथलॉन की जैकेट है, लड़की लड़कियाँ कोई भी पहन सकता है। ये डीकैथलॉन में आपको मिल जाएगी, आप पीछे मुड़ें, इसमें कैप वगैरह सब। और ये विंटर्स में चलती है अच्छे से, है ना, अच्छे से काम करिए ना। इसने यही जैकेट पहनी है पूरे विंटर्स एंड इट वर्क रियली वेल। और कितने की ली थी आपने ये इंडिया से? 8,000 की। दोस्तों, अभी अभी घर पहुंची हूँ, 4:30 बज गए हैं, बहुत भूख लग रही है। मैंने कॉलेज में चावल खाए थे, थोड़े से थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो कुछ बनाएंगे। कॉलेज गए, थोड़ा बहुत लाइब्रेरी में बैठ के काम किया, प्रिंट्स निकालने थे थोड़े बहुत। मैंने आपको वो भी बताया कि हमारे कॉलेज में हम लोग कैसे प्रिंट्स निकालते हैं। इस वीक ना बहुत असाइनमेंट्स है, क्योंकि अगले हफ्ते हमारे एग्जाम्स हैं, फाइनल एग्जाम्स है, सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अभी जितने असाइनमेंट्स हैं हमें कवर अप करने हैं, ताकि हम अपनी जॉब वगैरह पे फोकस कर सकें। तो इसीलिए थोड़ा सा हेक्टिक वीक है। गाइस, कभी कभी आपके साथ भी होता है, बहुत नींद आ रही होती है, बट इतना काम होता है करने के लिए। मैं सोफे पे बैठे बैठे सो गई असाइनमेंट करते करते, 8 बज गए हैं और 12 बजे सबमिट भी करना है, बहुत काम बाकी है। और बाहर स्काई दिखाती हूँ आपको, इतना सुंदर स्काई हो रहा है आज, सब कुछ इतना। गाइस, तो आपने मेरी एक सबसे पहली वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने आपको बताया है कि मेरी रूममेट को जो है लैपटॉप कॉलेज से मिला है। तो उसके बाद मुझे इतनी सारी क्वेरीज थी कि हमें कैसे पता चलता है या हमारे कोर्स में लैपटॉप इंक्लूडेड है कि नहीं। तो मैं आपको आज बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको लैपटॉप कॉलेज से मिलेगा या आपको अपना लैपटॉप लेके आना है। तो दोस्तों, ये होता है हमारा इनवॉइस। जब भी आप फीस भरते हो तो आपको ये इनवॉइस मिलता है। इस इनवॉइस में आप देखो, कहीं पर भी डिवाइस फ़ी नहीं लिखा हुआ है। और आपको ये सिंपली कैसे पता चलेगा, जैसे ये SGBM कोर्स है जो मेरी रूममेट का भी है, तो अगर मैं इसके इनवॉइस में जाऊंगी नीचे, यहाँ पे इनवॉइस है, ठीक है, आप इनवॉइस में गए तो इसमें देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है डिवाइस फ़ी करके। डिवाइस फ़ी आप इसमें भरते हो $690, तो इसमें आपको लैपटॉप मिलेगा क्योंकि आपने डिवाइस की फ़ीस भरी हुई है। और अगर आपने किसी में डिवाइस की फ़ीस नहीं भरी है तो आपको लैपटॉप नहीं मिलेगा। एक और कोर्स है, जैसे ये रोबोटिक्स का कोर्स है, इसके बारे में मुझे पता चला था कि इसमें भी लैपटॉप मिलता है। सो ये देखो, इसमें भी भरा है ना, लीज्ड डिवाइस फ़ी $1,000 हमें इसमें भरना पड़ रहा है। तो ये आप चेक कर सकते हो, अगर आपके इनवॉइस में है तो आपको लैपटॉप मिलेगा, नहीं है तो ऑब्वियसली आपको अपना लाना पड़ेगा। सो आई होप ये क्वेरी आप सबको क्लियर होगी, और आप अपना इनवॉइस अच्छे से चेक करो कि आप किस किस चीज़ के लिए पे कर रहे हो, और वो आप कॉलेज से उसका बेनिफिट उठाओ अगर आपने पे किया है तो। तो दोस्तों, रात के बज गए 1:15, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ आइसक्रीम हॉट चॉकलेट शेक, जो मैंने परसों भी शायद रेसिपी आपको दिखाई थी, क्योंकि अभी मुझे भूख लग रही है। और मेरी अभी रात के 1 बजे प्रेजेंटेशन भी है, हमारी पूरी ग्रुप प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे पता क्या होता है कि प्रोफेसर के सामने कभी कभी आपको प्रेजेंट नहीं करनी होती, आपको बस जूम पे रिकॉर्डिंग करनी होती है। आपस में प्रेजेंटेशन करो, रिकॉर्डिंग करो, और प्रोफेसर को लिंक सेंड कर दो उस रिकॉर्डिंग का। तो सबकी शिफ्ट होती है, तो हमें टाइम नहीं मिल रहा था पूरे दिन। और कल सुबह सबमिशन है 9 बजे, और सुबह तो कोई जल्दी नहीं उठता क्योंकि सब लेजी हैं हमारी तरह, और सबकी शिफ्ट वगैरह होती है, सब बिजी होते हैं। तो रात के 1 बजे अभी हमारी प्रेजेंटेशन है, तो 2 बज जाएंगे सोते सोते। और फिर अभी हम पीते हैं चॉकलेट शेक, थोड़ा नींद भाग जाएगी और मूड एकदम फ्रेशन अप हो जाएगा, और जो भूख लगी है वो भी मिट जाएगी। तो ये हम डालेंगे हॉट चॉकलेट, मिल्क डालेंगे जितना चाहिए हमको, और डालेंगे ये वाली आइसक्रीम। तो ये बन जाएगा आइसक्रीम हॉट चॉकलेट मिल्क शेक। और ये आइसक्रीम पता है हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी एक स्टोरी है, क्योंकि ये पता है कौन सा फ्लेवर है, ये फ्लेवर है सॉल्ट कैरामल। आइसक्रीम में इतनी सॉल्ट है ना कि आपने कभी सॉल्टी आइसक्रीम खाई नहीं होगी। मुंह में खाते हैं तो पूरा सॉल्ट आता है, ना कि स्वीट। तो कोई भी ये आइसक्रीम को पसंद नहीं कर रहा है, तो मैं इसको मिल्क शेक में ऐसे डाल डाल के पी लेती हूँ,
तो अच्छा टेस्ट आता है, हॉट चॉकलेट के साथ स्वीट वाला टेस्ट आ जाता है और इसके साथ तो आइसक्रीम का टेस्ट आ ही जाता है। तो इसी तरह से ये ख़त्म होगी, नहीं तो फेंकनी पड़ेगी, और कोई भी सामान फेंकना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको रोज़ पीती हूँ कि जल्दी जल्दी निपट जाए। हमारी इंडियन मिक्सी लग चुकी है, अब बनाते हैं शेक। Our ice cream shake is ready. Anyone want to have it? Cheers. Yummy. एक नंबर बनता है ये शेक। ट्राई जरूर करना ये रेसिपी को आप। करना पड़ता है वो। अगर तुम्हें नोटिफिकेशन चाहिए तो तुम कर सकते हो। नॉट उठते ना वो। तुम गुजरात में कहाँ रहते हो? सौराष्ट्र। अच्छा, और ये दर्श? अब बोले। मैं तो दर्श आके भाई। ले लो एक भाई, बंदे को 1:30 बजे रात के 1:30 बजे कितना फ्री है वो चूज देखता है। फिर देख मेरा भाई बोल रहा है सब बंद करो, हम शुरू करो। ओह सीईओ इज हियर गाइस। तो हमारी हो गई है प्रेजेंटेशन डन, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होती है। ये आ गई हमारे पास रिकॉर्डिंग, लेट अस प्ले। मीटिंग विद द कंपनी सीएफओ सीओओ परचेजिंग मैनेजर टू डिस्कस द नेगोशिएटिव। मैं हूं। So, thank you everyone for inviting me for this meeting. Please let me know how can I assist you. हो गई guys हमारी assignment submit. ये देखो April 7 सुबह की submission है, तो सुबह 9 बजे कोई नहीं उठ पाता तो हमने कर दी। तो डे एंड करते हैं यहीं पे। अब मुझे वीडियो एडिट भी करनी है क्योंकि आप सबको टाइम पे वीडियोस भी चाहिए। तो अब मैं वीडियो एडिट करूँगी, 3-4 बजे तक आराम से सोऊंगी। अभी नींद भी नहीं आ रही, मैंने शाम को थोड़ा नैप ले लिया था ना, तो अभी नींद नहीं आ रही है। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं एकदम रॉ वाले मेरे, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक करो और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कि कनाडा की लाइफ कैसी होती है। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।